सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस डिवाइस के बारे में बात करने वाले हैं वो है रेडमी की तरफ से आने वाला रेडमी नोट 11 SE, जिसमें कि आपको अंडर 15,000 में बाय डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में 60 FPS गेमिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों, आज की डेट में हमें अंडर 15,000 में कोई भी ऐसा डिवाइस देखने के लिए नहीं मिलता जिसमें कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट 60 FPS गेमिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी डिवाइस में पबजी BGMI का एक गेमिंग टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि ये डिवाइस 60 FPS गेमिंग को कहां तक हैंडल कर पाएगा। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। अगर हम इस डिवाइस के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें MediaTek की तरफ से आने वाला MediaTek Helio G95 का 4G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी पर काम करता है। उसी के साथ दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की बैटरी के बारे में बात करें तो इस डिवाइस में हमें 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाएगी, जिसके साथ हमें इस डिवाइस में 33 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि हमें इनबॉक्स कोई भी अडाप्टर देखने के लिए नहीं मिलता। तो चलिए दोस्तों, अभी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों, साथ ही अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए हो तो चैनल को याद से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो चैनल के ऊपर अपलोड करता रहता हूं। उसी के साथ दोस्तों, इस डिवाइस के रिकॉर्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं उस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में बाई डिफ़ॉल्ट पबजी BGMI में ग्राफिक सेटिंग देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में इस परफॉर्मेंस के साथ ग्राफिक में कहां तक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम जहां जाएंगे सीधा सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हम जाएंगे सीधा ग्राफिक्स में। तो दोस्तों, यहां पर अगर हम स्मूथ की बात करें तो स्मूथ में हमें इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट एक्सट्रीम यानी कि 60 FPS ऑप्शन देखने के लिए मिल जाती है। इसका मतलब साफ है कि हमें इस डिवाइस में बाय डिफ़ॉल्ट 60 FPS गेमिंग का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा। उसी के साथ दोस्तों, अगर हम बैलेंस की बात करें तो बैलेंस में हमें अल्ट्रा, HD में हमें अल्ट्रा, HDR में हमें अल्ट्रा। तो इसके साथ ही दोस्तों, अगर हम अल्ट्रा HD के बारे में बात करें तो अल्ट्रा HD अभी तक इस डिवाइस में अवेलेबल नहीं है। प्राइस के हिसाब से हमें इस डिवाइस में बिल्कुल सही ग्राफिक सेटिंग देखने के लिए मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इस डिवाइस में स्मूथ प्लस एक्सट्रीम में एक कलरफुल में मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय क्या परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाती है। हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कोई लैग इशू, कोई हीटिंग इशू या कोई फ्रेम ड्रॉप जैसे मेजर इशू देखने के लिए मिलते हैं या नहीं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले एक मैच स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो दोस्तों, अभी बात आती है इस डिवाइस के रिव्यू की। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग एक बात को ध्यान में रखिए कि अंडर 15,000 में हमें इस डिवाइस के अलावा कोई भी और ऐसा डिवाइस देखने के लिए नहीं मिलता जिसमें कि हमें बाय डिफ़ॉल्ट स्मूथ में एक्सट्रीम के ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए। प्राइस के हिसाब से हमें इस डिवाइस में गेमिंग में ग्राफिक सेटिंग बिल्कुल सही देखने के लिए मिल जाती है। तो दूसरी तरफ अगर हम इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो प्राइस के हिसाब से हमें इस डिवाइस में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी। नॉर्मल गेमिंग करते समय आपको इस डिवाइस में कोई भी मेजर इशू देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन आप अगर इस डिवाइस में स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ हैवी गेमिंग यूज़ करोगे तो आपको मेजर इशू देखने के लिए मिल सकते हैं। इसी के साथ अगर हम इस डिवाइस के जायरोस्कोप के बारे में बात करें तो गेमिंग करते समय हमें इस डिवाइस में कोई भी जायरो में डिले देखने के लिए नहीं मिलता। गाइस, एक बात का ध्यान रखो कि कोई भी डिवाइस पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, हर एक डिवाइस में कोई ना कोई कमी पेशी जरूर होती है। इन्हीं कमियों को ध्यान में रखकर ही आप डिवाइस को परचेज करो, जिससे कि आपको फ्यूचर में उन कमियों के साथ कोई भी इशू फेस ना हो। तो चलिए दोस्तों, अभी हम इस डिवाइस के साथ एक गेम प्ले करके देख लेते हैं, जिससे कि आपको बेटर अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें इस डिवाइस में गेमिंग करते समय कैसी परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल जाएगी।
Watch out. Location. Watch out. पांच गोली रह गए हम छोड़ चुके पांच जी चलो आप ही मर गया।